हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम आज बात कर रहे थे जिबराग जिबसेरा की, जो सेंट गोविन का बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ सेलिंग सेक्शन है, जो काफ़ी पॉपुलर और यूजफुल है। लोग इसे अपने घरों और ऑफिसों में ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा ब्रांड है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन महंगा बहुत है, जो हम और आप भी इसे लगाने के लिए सोच भी नहीं सकते। हालांकि जिबराग सेंट गोविन ने 3 और चैनल सेक्शन लॉन्च किए हैं, जो काफ़ी सक्सेस और अच्छा भी है। मैं भी लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि बाकी जो तीसरा मटेरियल है, आप उसे ही यूज करें। इसमें से जिबराग कल्ट्रा है, मेगा स्टील है, एक्सपर्ट है। मैं सबसे ज़्यादा जो यूज करता हूँ एक्सपर्ट है। मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि आप भी जिबराग का बनाया हुआ है एक्सपर्ट, आप इसे ही यूज करें। सस्ता और अच्छा पड़ता है, क्वालिटी भी अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिबराग ने इसमें अपना नाम नहीं दिया हुआ है, जैसा कि जिबराग ने जिबसेरा का नाम दिया है। चैनल पर जिबराग लिखा हुआ है, इस तरीके से ये मेगा स्टील और एक्सपर्ट में जिबराग लिख के नहीं आता है, तो क्लाइंट इसे विश्वास नहीं करते। उन्हें बहुत समझाने बताने के बाद में ही ये लगाते हैं। उन्हें लेबल दिखाना पड़ता है और ब्रांड बताना पड़ता है, तो यूज करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिबराग यूज करते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप एल्यूमिनियम का चैनल सेक्शन यूज कर लें, जो काफ़ी अच्छा और बेहतर। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिबराग जिबसेरा यूज करना चाहते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप जिंदाल का एल्यूमिनियम सेक्शन यूज कर लें, वो जो कि 45 रुपया फिर पड़ेगा। अगर एक इकट्ठा या साथ में आप चैनल लेंगे, तो और उल्टा आपको सस्ता ही पड़ेगा। अगर ये भी आपको महंगा लगे, तो आप लोकल एल्यूमिनियम भी यूज करोगे, तो भी आप जिबराग जिबसेरा से अच्छा और सस्ता पड़ेगा, जो कि मैं कहता हूँ कि सेलिंग सेक्शन के लिए, सेलिंग के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जानते होंगे, पहली बात तो ये कि कभी सेलिंग चैनल में आपको जंग नहीं लगेगा, जिस तरह से इसमें जंग लग जाता है, सड़ जाता है पानी के आने से, वो शिकायत नहीं होगी। आप जब बोर्ड यूज लगा करेंगे, आप उस पर बोर्ड लगाएंगे, तो जहाँ भी आपका ये जिप्सम बोर्ड का जॉइंट आएगा, उस जॉइंट पे आपको ये खुलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पट्टी लगा हुआ मिलेगा, कहीं भी आपको खुला नहीं मिलेगा। दूसरा, ये आपका सेलिंग जो है एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा। और अगर आप कभी इसे कबाड़ भी बेचने जाओगे, तो ये आप जिबराग से, आपको ये जिबराग से अच्छा रेट देखे जाएगा। हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम का रेट मिलता है, और ये लोखंड क्या भाव जाता है बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों लोग इसे जिबराग जिबसेरा का इतना यूज करना चाहते हैं। अगर आप चैनल ही यूज करना चाहते हैं, इससे अच्छा आप लोखंड का क्यों ना बनवा लें फ्रेम, वो मेरे ख्याल से सस्ता पड़ जाएगा। महंगा यूज करने की क्या जरूरत है। मानता हूँ कि अगर ये जिबराग आपको 25 साल 30 साल गारंटी देता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोकल सेक्शन लगवा लो, मैं अपने हाथ से काम करके दूंगा, 25-30 साल आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये कारीगरी के ऊपर, ये आपका मटेरियल काम में नहीं आता है। अगर आपका प्लास्टर ऊपर से छोड़ दे, आपकी सपोर्टिंग अच्छे से ना हो, तो मटेरियल किस काम का। मैं कहता हूँ कि आप ब्रांड के पीछे पागल मत बनो, आप सबसे पहले कारीगरी पे ध्यान दो, सपोर्टिंग पे ध्यान दो, आपके प्लास्टरिंग पे ध्यान दो। 25-30 साल 40 साल आपको बोलना नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई यूज करने की ज़रूरत क्या है। आप यही पैसा आप कारीगरों को दो, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। ये ब्रांड आपके काम में नहीं आता। आप वीडियो में ऊपर देख लीजिए कि अगर सेलिंग टूटता भी है, गिरता भी है, तो इसके कारण क्या हैं। आपको नहीं समझ में आती है, तो हमारे भी वीडियो हैं और लोगों के भी वीडियो हैं कि आप देखिए कि सेलिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है, जॉइंट क्यों खुलता है, सेलिंग गिरता क्यों है, ये ब्रांड की वजह से नहीं गिरता है। इससे पहले क्या सेलिंग नहीं होती थी। हालांकि मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, महंगा बहुत है, महंगे की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर है जिबराग का ही मटेरियल एक्सपर्ट यूज़ करिए, सस्ता और अच्छा पड़ेगा। या फिर महंगा में आप यूज करना चाहते हैं, तो जिबराग जिबसेरा से अच्छा आप एल्युमिनियम यूज करें।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।